इंडोनेशिया में शुक्रवार को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद सुलावेसी द्वीप पर स्थित पालु शहर में सुनामी ने भी कहर बरपाया। भूकंप के कारण कई इमारतें जमींदोज हो गई। इसमें सैकड़ों लोगों के मरने की खबर है, जबकि इंडोनेशिया के एक अस्पताल में इस हादसे में 30 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। इस भयंकर आपदा ने लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। वहीं भूकंप के केंद्र से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पालु शहर के एक पार्किंग रैंप की सबसे ऊपरी मंजिल से शूट किया गया, जिसमें ऊंची पानी की लहरें उठती नजर आई और तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। वीडियो में पानी की लहरें कई इमारतों को अपनी चपेट में लेती हुई नजर आ रही हैं। एक न्यूज एजेंसी ने ये वीडियो जारी किया है, जिसमें जबरदस्त लहरें उठती दिख रही हैं और लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। आपदा एजेंसी के भूकंप एवं सुनामी प्रभाव के अध्यक्ष रहमत त्रियोनो ने बाद में पुष्टि की कि शहर में सुनामी की तेज लहरें आई हैं। इस भूकंप की तीव्रता इस वर्ष की शुरुआत में लोमबोक द्वीप में आए भूकंप से कई अधिक थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने बताया कि मध्य सुलावेसी के डोगाला कस्बे में आए भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। एजेंसी के द्वारा जारी की गई तस्वीर में क्षतिग्रस्त हुई इमारतों को दिखाया गया। लोग परेशान होकर अपने घरों से बाहर निकल गए। फेसबुक लाइव वीडियो में इलाके के कुछ हिस्सों में लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया, क्योंकि सुनामी की चेतावनी के बाद लोग ऊंची जगहों पर पहुंचने के लिए कारों, ट्रकों एवं मोटर बाइकों का इस्तेमाल कर रहे थे। बता दें कि इंडोनेशिया की भौगोलिक स्थिति के कारण भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। दिसंबर 2004 में पश्चिमी इंडोनेशिया के सुमात्रा में 9.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके कारण आई सुनामी के कारण हिंद महासागर क्षेत्र के कई देशों में 220,000 लोग मारे गए।